सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हेयरफॉल बहुत से लोगों को आजकल होता है एंड ये मुझे भी हुआ था इस लॉकडाउन में, बट विदिन 15 डेज ये एकदम खत्म हो चुका था। अब उन 15 दिनों में मैंने क्या करा, वही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं आपको ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि 15 ही दिन में आपका हेयरफॉल खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है 10 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 30 दिन में खत्म हो, बट हेयरफॉल डेफिनेटली खत्म होगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आपको भी हेयरफॉल होता है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट, यहां पर 90% लोग गलती करते हैं। मैंने भी ये गलती करी थी स्टार्टिंग के दिनों में। अब वो क्या करी थी, बार बार मिरर के सामने जाते हैं, अपने हेयर्स देखते हैं, भाई मुझे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मिरर के सामने जाएंगे, देखेंगे एंड स्ट्रेस लेंगे, बार बार सोचते रहेंगे हर 5 मिनट बाद, एंड इसी की वजह से और भी ज़्यादा हमें हेयर फॉल होता है। सो यही गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती मैंने भी 3-4 दिन करी थी स्टार्टिंग में एंड मुझे और भी ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। सो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, टेक इट ईजी, धीरे धीरे बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। अगर आप और भी ज़्यादा सोचोगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो इसीलिए जितना कम सोचोगे, जितना चिल रहोगे, उतना ही ये भी कम होता रहेगा। देन हमारा सेकंड पॉइंट, डोंट डू ऑयलिंग। अब मैं ऑयलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया कि आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, बट उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए मेरे हेयर फॉल वाली जो और वीडियोस थी कि भाई जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो हमारे और भी ज्यादा बाल टूटते हैं उस टाइम पर जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं। तो आपको हेयर ऑयलिंग मसाज अच्छे से नहीं करनी है, बट आपको डेली 2-3 ड्रॉप्स हेयर ऑयल लगाना है अपने हेयर्स पर एंड उससे आपके हेयर्स थिक भी होंगे, जिससे कि आपके बाल टूटेंगे नहीं और आपका हेयर फॉल भी कम होना शुरू होगा। क्योंकि हेयर मसाज करते टाइम होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से ही कुछ ज़्यादा मसाज कर देते हैं एंड हमारे हेयर और भी ज़्यादा टूट जाते हैं बहुत, जब जोर जोर से हम अपने बालों को हिलाते हैं। सो इसीलिए आपको हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयल से आप डेली कुछ ड्रॉप्स ऑयल की लगा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारा थर्ड पॉइंट, हेयर स्टाइलिंग। अब हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं? सो ब्रो, हम गलती क्या करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि अब वो चाहे कॉम से हो या फिंगर से, बार बार अपने हेयर्स पर ऐसे 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 अपने हेयर्स को स्टाइल करते रहेंगे। सो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है एंड उसके बाद हमारे हेयर्स और भी टूटने लग जाते हैं एंड होता क्या है, मेन चीज़ जो होती है हमारी हेयर लाइन ऊपर जाने लग जाती है। जो लोग बार बार अपने हेयर्स पर ऐसे ऐसे हाथ मारते रहते हैं उनकी हेयर लाइन ऊपर जाने लग जाती है। सो मेरे भाई, जब आपको हेयर फॉल हो रहा हो तब आपको कॉम का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉम के जो स्टिक्स होती है, काफ़ी सारी कॉम्स की, वो बहुत ज़्यादा पास होती है एंड उससे हमारे जो हेयर्स फंस रखे होते हैं वो टूट जाते हैं। सो आपको और भी ज़्यादा हेयर फॉल होगा एंड आपको फिंगर से भी अपने हेयर्स को स्टाइल बार बार नहीं करना है। एक बार स्टाइल करो बहुत है, उसके बाद वो पूरे दिन भर के लिए उन्हें वैसे ही छोड़ दो, बार बार स्टाइल मत करना। देन हमारा नेक्स्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइट एंड सप्लीमेंट। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डाइट तो आपको देखिए अच्छी करनी ही पड़ेगी, अब आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या दोनों हो, वो आप हो, बट आपको इसमें चीज़ें क्या ढूंढनी है, वो आपको आयरन आपके फूड में ज़रूर होना चाहिए एंड प्रोटीन आपके फूड में, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें आपके फूड में होनी ही होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड अब मैं आपको सारे फूड्स तो बता नहीं सकता, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे फूड आइटम मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज इन आपको दोनों टाइप के फूड मिल जाएंगे, आप वो सभी फूड इन दिनों ज़्यादा खाएं, अच्छी डाइट रखें अपनी, जिससे कि आपके हेयर अच्छे हो। एंड सप्लीमेंटेशन में अगर मैं बात करूँ तो आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, जिससे कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे विटामिंस वगैरह होते हैं, वो हमारे हेयर्स तक अच्छे से जाते हैं एंड हमारे हेयर्स अच्छे होते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें होती है मल्टीविटामिन के अंदर। एंड सेकंड चीज़ जो आप ऐड कर सकते हो वो है ओमेगा 3 फिश ऑयल्स। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ है अपने सप्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हो एंड उसके बाद आपकी हेयर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप कन्फ्यूज हो कौन सा लेना है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो या आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से भी। देन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो कि है स्लीप। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो मेरे भाई आप कुछ भी कर लो, आपका हेयर फॉल खत्म नहीं होगा। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इस चीज़ पर, और बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। कम से कम 8 घंटे की स्लीप तो लो ही लो, क्योंकि स्लीप की जब कमी होती है तो हमारे हेयर फॉल तो होता ही होता है, हमारे हेयर थिन होते हैं, हेयर फॉल होता है, हमारी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम्स होती है, डार्क सर्कल्स, एक्ने, पिंपल वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आने लगती है। 8 घंटे तो कम से कम सोएं स्लीप के लिए टाइम निकाले, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। सो बस गाइज, यही से कुछ चीज़ें जो कि मैंने भी फॉलो करी, 15 दिन में मेरा हेयर फॉल खत्म हो गया था।
डेफिनेटली आपका भी होने लग जाएगा हेयर फॉल खत्म। सो बस गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।